जी एस टी पोर्टल पर मोस्ट अवेटेड जो एडवाइज़री है वो आ चुकी है कुछ समय पहले आपके साथ ये आ, जो प्रॉब्लम आ रही थी मैसेजेस या ईमेल्स आ रहे थे वो आपके साथ शेयर किए थे अब ये एडवाइज़री जो है वो आ चुकी है तो जी एस टी एन इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट फंक्शनैलिटी ऑफ फोर बैंक अकाउंट वेलीडेशन इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद द जी एस टी सिस्टम के साथ दिस फीचर इज़ इंट्रोड्यूस टू इन्श्योर दैट बैंक अकाउंट जो टैक्सपेयर के द्वारा दिया गया है यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना बैंक अकाउंट दिया है वो करेक्ट है तो ये इंश्योर करने के लिए ये फंक्शनैलिटी ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया गया है बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस आपको कहाँ पर मिलेगा माई प्रोफाइल में जो बैंक अकाउंट स्टेटस का जो टैप होता है उसमें अब यहाँ पे एट एक्सपेयर वेर ऑल्सो रिसीव द बैंक अकाउंट स्टेटस डिटेल्स ऑन रजिस्टर्ड ई मेल आई डी एंड मोबाइल नंबर आफ्टर वेलीडेशन इज़ परफॉर्म फॉर हिज डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट तो जैसे ही आप वेलीडेट कर देंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल आई तो डी और आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी चलिए इससे जुड़ा यहाँ पर जो है ट्यूटोरियल भी दिया गया है पोस्ट वैलिडेशन आपको वैलिडेट करना है वहाँ पे एनी बैंक अकाउंट नंबर इन द डेटा बेस वुड हैव वन स्टेटस आउट ऑफ द बिलो मैंशन फोर स्टेटस टाइप तो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे वहाँ पे आपको वैलिडेट करने के लिए बोला जाएगा अपने माई प्रोफाइल में देख लीजिएगा तो आपको वैलिडेट करने के बाद के लिए बोला जाएगा तो जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपके पास इनमें से कोई चार स्टेटस आपको दिखाई देंगे ठीक है नाउ Uh, या तो करेक्ट होगा जो कि सक्सेस का स्टेटस होगा केस क्रोस है तो फेलियर सक्सेस विद रिमार्क कुछ आपको दिया गया होगा या फिर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन इनमें से कोई भी स्टेटस आपको वहाँ पे शो होगा वेन एवर दैट एक्सपीयर इज शोन फेलियर आइकन अगर आपको फेलियर शो स्टेटस हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है सच एज़ एंटर्ड पैन नंबर इनवैलिड है पैन अवेलेबल नहीं है कंसर्न बैंक अकाउंट के पास पैन रजिस्टर्ड विद अंडर जी एस टी एन एंड पैन मेंटेन्ड इन द बैंक अकाउंट आर नॉट सेम जो आपने जी एस टी में पैन नंबर अपना डाला है और बैंक अकाउंट में दिया हुआ है uh, बैंक में दिया हुआ है वो सेम नहीं है आई एफ एस सी कोड जो है वो इनवैलिड हो सकता है तो ये रीजंस हो सकते हैं तो इन दीज केसेस टैक्स पेयर को क्या इंश्योर करना है कि वो बैंक करेक्ट बैंक डिटेल्स एंटर करे एंड बैंक में अपनी के वाई सी करवा ले नाउ सक्सेस विथ रिमार्क अगर ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है द अकाउंट कैन नॉट बी वैलिडेटेड सेंस द बैंक इज नॉट इंटीग्रेटेड विथ एन पी सी आई फॉर ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट वैलिडेशन के लिए तो टैक्सपेयर को क्या करना है कोई ऑल्टरनेट बैंक ट्राई कर सकता है सो so दैट वो रिवेलीडेट कर सके इफ द अकाउंट स्टेटस अगर शो कर रहा है पेंडिंग फॉर वैलीडेशन तो आप कुछ वेट कर लीजिए हो सकता है वैलिडेशन में कुछ समय लग रहा हो टेक्सपेयर एट एनी टाइम कैन ऐड एंड डिलीट बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड न्यू डिटेल्स विल भी वैलिडेटेड कोई भी डिटेल आप एड या डिलीट कर सकते हैं जो भी नई डिटेल्स होंगी वो वैलिडेट हो जाएंगी तो वैलिडेट कर लीजिएगा अगर इस तरह के मैसेज या ई मेल्स आपके पास आ रहे हैं तो अब उसका एडवाइजरी आपको पोर्टल पर दे दी गई है साथ ही ये हेल्प ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो ग्रीवियंस रेज आप कर सकते हैं